हेलो मेरे प्यारे भाइयों, उनके प्यारे कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे आप सकते हैं फायर के इनके ब्लॉग से। फिर स्वागत है आप लोग का मेरे कमाल के नए वीडियो आकाया कर फिर से कमाल का इंटरेस्टिंग लोग लेके आज का इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा W10 में जो W11 का ग्रिल कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और आप लोग ग्रिल हमसे कैसे ले सकते हैं। अभी हम लोग ग्रिल लाने ही जा रहे थे, एक कस्टमर का ऑर्डर आया था तो एज ए व्हाट्सएप से, तो हम लोग जा रहे हैं ग्रिल लाने। आप लोगों को दिखाएंगे ग्रिल कैसा कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप लोग भी कैसे मंगवा सकते हैं, तो सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आता था, कमेंट आता था कि W10 में जो W11 का ग्रिल इंस्टॉल करने का क्या सिस्टम है, क्या शेड्यूल है, सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक्सयूवी 5 लोड W10 की मॉडल है। तो इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं ये W11 की ग्रिल है, तो इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे W11 का ग्रिल और सारा प्रोसेस बताएगा और कैसे आप लोग इसको कम से कम दाम में न्यू वाला परचेज कर सकते। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू महिंद्रा की ओरिजिनल महिंद्रा की ग्रिल है, तो इसको चलिए इसमें लगा के आप लोग को दिखाते हैं A to Z सारा प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सयूवी 5 लोड W10 का यहाँ पे हम लोग को बोनट यहाँ पे खोल लेना है। तो बोनेट में पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बोनेट खोलने के बाद बोनेट मैंने यहाँ पे खोल लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है लॉक होता है। तो थोड़ा कैमरा इधर लेके आइए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉक है प्लास्टिक वाला। थोड़ा और अच्छे से मेरे व्यूअर्स को दिखाइए, ये वाला लॉक होता है। यहाँ पे 4 लॉक है, तो इसको जो हम लोग अभी पेचकस की मदद से खोल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ग्रिल को बाहर करेंगे। यहाँ पे एक जो है 10 का जो बोल्ट भी होता है, तो ये बोल्ट को भी निकालेंगे। उसके बाद W10 का ये ग्रिल को पहले बाहर करेंगे, उसके बाद प्लेस करेंगे कैसे इसको करेंगे। पेचकस ले लिया, तो ये पुश बटन वाला बोल्ट है, तो इसको धीरे धीरे से पहले आपको यहाँ पे खोल लेना है। यहाँ पे जितना भी है वो सारे को हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। तो इसका निकालने का 2 प्रोसेस है। आप चाहे तो पेचकस के मदद से यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे ग्रिल को उठा लीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए सबको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे W10 का ग्रिल हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली से ये 2 बोल्ट है 10 पे जो कि 10 नंबर के बोल्ट पे, मैंने इसको भी हटा दिया सिंपली से। अब आपको ग्रिल कैसे यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैंने ये वाला नहीं निकाला। ये वाला निकालने के लिए फिर मुझे लगाने के लिए ये वाला जो है बम्पर फिर से इंस्टॉल करना पड़ता, इसीलिए मैंने ये भी नहीं खोला। तो ये सिंपली से अगर आप लोग को प्रॉपर फिक्स करना है तो ये आपको खोल देना होगा, उसके बाद प्रॉपर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। थोड़ा नजदीक से आइए, तो यहाँ पे आप लोग को जो प्रॉपर यहाँ पे ग्रिल जो लगा दें, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल है। तो यहाँ पे जो आता है वो वाला लॉक फंसाने वाला, वो वाला लॉक यहाँ पे आप लोग सिंपली से फिट कर देना है। लॉक फिट करने के बाद यहाँ पे ग्रिल हम लोग का अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा, और ये वाला जो है ग्रिल का जो ये यहाँ पे लॉक लगा होता है, मैं आप लोग को लॉक भी दिखा रहा हूँ, वो सिंपली से अंदर में आराम से लग जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को वो लॉक भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉक है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 2 लॉक, यहाँ पे भी ये लॉक सिंपली से यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा, हमारा ग्रिल पूरी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी आसान तरीके से। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे ग्रिल इंस्टॉल कर दिया, तभी यहाँ पे थोड़ा फिटिंग नहीं है, तो ये लॉक जब वो अंदर वाला ग्रिल हटेगा तो ये लग जाएगा आराम से। यहाँ पे मैंने 2 बोल्ट जो लगा दिए, यहाँ पे आप लोग को सिंपली से 10 नंबर का एक बोल्ट लगाना। तो चलिए हम यहाँ पे जो बोनट लगा के देखते हैं, तो थोड़ा हटाइए, चलिए हम लोग यहाँ पे बोनट लगा के देखते हैं कि हमारा फिटिंग कैसा आया W10 का। तो देख सकते हैं कि हमारा फिटिंग कुछ ऐसा आया है, मैं आप लोग को प्रॉपर एक जो है दिखा देता हूँ सिनेमैटिक व्यू में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने इस वीडियो में दिखाया कैसे आप लोग एक सिंपल टूल्स की मदद से घर में वर्क इन होम में
एक W10 की मॉडल W11 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिर्फ सिंपली से आप लोग को जो है ग्रिल मंगाना है मेरे थ्रू, अगर ग्रिल कैसे मंगाना है वो सारा कुछ आप लोग को बताऊंगा, वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज के लिए सॉरी बोल रहा था, बहुत लोग मैसेज वगैरह करते हैं कि सर मुझे 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, तो हम लोग भी किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम लोग भी स्पेयर पार्ट जो अच्छा से अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर सेकेंड हैंड में अच्छा मिल गया तो सेकेंड हैंड देते, हम लोग सेकेंड हैंड देने की कोशिश करते जो कि ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल पार्ट होता है वही देने की कोशिश करते हैं, अगर ओरिजिनल या फिर सेकेंड हैंड नहीं मिलता तो हम लोग न्यू उसको परचेज करके आप लोग को जो प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग भी किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, बट सामने वाला रिप्लाई नहीं देता है, तो हम लोग को भी जो थोड़ा बहुत एक्सक्यूज देने में दिक्कत होती है, इसीलिए कस्टमर को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स वगैरह स्पेयर पार्ट्स वगैरह उतना आसानी से नहीं मिलते और टॉप मॉडल की गाड़ी के तो बिल्कुल नहीं मिलते। अभी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग के गैरेज में मारुति वगैरह के भी पार्ट्स वगैरह जो कि शोरूम होता है, जो कि स्पेयर पार्ट्स का शॉप होता है, वहाँ भी नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप लोग भी इस चीज़ को समझे, क्योंकि हम लोग भी जो सामान किसी और से मंगाते हैं, और आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अगेन कि आप लोग एडवांस पेमेंट कीजिएगा तभी हम लोग ये सामान दे पाएंगे, कि हम लोग भी किसी और को पेमेंट करते तभी वो हमारे गैरेज तक हम लोग को सामान पहुंचाता है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, कभी कभी गैरेज में नहीं आता सामान, तो हम लोग जो कार से लाने जाते हैं सामान, उसका भी भाड़ा जो हम लोग खुद अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो आप लोग भी कोई भी सामान मंगा सकते, मंगाना चाहते हैं A to Z कोई भी गाड़ी का, तो यहाँ पे आप लोग को जो है नंबर देखने को मिला, सिंपली से आप लोग व्हाट्सएप पे हम लोग को मैसेज कर सकते हो। मैं इस वीडियो में प्राइस इसीलिए डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते कि उस टाइम का प्राइस कुछ और था, अभी का प्राइस कुछ और है, तो इसीलिए मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अगर आप लोग प्राइस चाहिए तो आप लोग ये व्हाट्सएप पे सिंपली से मैसेज कर सकते, या फिर कोई सजेशन चाहिए तो वो भी बता सकते। मैं ये वीडियो यही बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कस्टमर होते हैं कि मैकेनिक के पास जाते हैं ये प्रोसेस करवाने के लिए, बट आप लोग को उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिंपली से अपने घर में भी एक सिंपल टूल्स की मदद से X5 W10 को W11 में कन्वर्ट कर सकते। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के अलविदा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।